तो फ्रेंड्स निकल चुके हम लोग होटल से फ्रेश होके गंगा स्नान के लिए, तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए द फूड डिस्कवरर। हेलो नमस्ते प्रणाम, वेलकम बैक टू माय चैनल द फूड डिस्कवरर। मैं हूं आप सबका दोस्त और इस चैनल का होस्ट सावन सिन्हा, एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप सब ने देखा कि हम लोग पहुंच चुके हैं हरिद्वार, हरिद्वार में होटल में गए हम, वहां से फ्रेश होकर आ गए हैं हम गंगा नदी के किनारे और यहां हम लोग गंगा स्नान करेंगे अभी। आप देखिए कितना ही मनोरम दृश्य है यहाँ का, और बहुत ही स्वच्छ पानी है, ठंडा पानी है, मज़ा आ जा रहा है बिल्कुल। और जो कहा जाता है जैसे कि गंगा स्नान करके पाप धुल जाते हैं, आपके अंदर एक नई ऊर्जा का सृजन होता है, बिल्कुल सही कहा जाता है। यहाँ गंगा नदी में नहा के ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम लोग कल के निकले हुए घर से और कंटिन्यू ट्रैवल करके हम यहाँ पहुँचे हैं, और ये सब होता है भोले बाबा की कृपा से और इस स्थान की, इस जगह की महानता की वजह से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आके आपके सारे थकान मिट जाते हैं, आपके सारे चिंताएँ सारी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं बिल्कुल, और आपको एकदम मज़ा आ जाता है। और ये जो मज़ा है मैं केवल हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तो आप जहाँ कहीं भी रहते हो आप एक बार ज़रूर यहाँ आए, यहाँ भोलेनाथ का दर्शन करें, यहाँ गंगा स्नान करें। फ्रेंड्स गंगा नदी में पवित्र स्नान करने के बाद हम पूजा करेंगे और फिर करेंगे पेट पूजा। तो फ्रेंड्स आपने देखा बहुत ही बेहतरीन थाली है, और मैं अभी टेस्ट करके इसका जो स्वाद है एक्सप्लोर करता हूँ आपको कि इस खाने में कैसा लगता है। तो बने रहिए मेरे साथ। रोटी का जो साइज है बहुत ही अच्छा, मीडियम साइज की रोटी है और घी लगी हुई रोटी में, बिल्कुल करारे गर्म सी रोटी है ये। पहले टेस्ट करते हैं जो सब्जी है। मतलब जो स्वाद आता है सादेपन का वो है इस सब्जी में। वो मैं दाल टेस्ट करता हूँ। दाल में बटर डाला हुआ है उन्होंने, बहुत बढ़िया मटर पनीर की सब्जी है इसमें। बहुत बढ़िया, बहुत ही सादे खाने में बहुत ही बेहतरीन स्वाद है और बहुत अच्छा है अगर आप यहाँ आते हैं, और मतलब कोई शिकायत करने वाली चीज़ नहीं है यहाँ। जो टेस्ट है हर चीज़ के हिसाब से, जो सादे जो सब्जी आलू की सब्जी है उसमें भी जो टेस्ट है बहुत ही बेहतरीन है। दाल क्योंकि बहुत अच्छा दाल फ्राई किया है इन्होंने, तड़का दाल देके धनिया पत्ता डाल के और इसमें बटर डाल के जो दिया, तो इसका स्वाद बहुत ही बेहतरीन आ रहा है। इसके अलावा जो मटर पनीर मैंने खाया वो भी बहुत बेहतरीन, तो ओवरऑल बहुत बेहतरीन खाना है। आप जब भी यहाँ आएँ आप आ सकते हैं, मैं आपको सारा लोकेशन और सारी डिटेल्स यहाँ के मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। देख सकते हैं आप गर्म गर्म रोटियाँ आते जा रही और आप खाते जाइए। सलाद भी बिल्कुल ताज़ा है, यहाँ पे दही देते हैं जीरा डाल के, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। पापड़ की क्वालिटी है, पापड़ इन्होंने तेल में नहीं फ्राई किया हुआ, सीखा हुआ पापड़ है, तो हेल्थ के हिसाब से बहुत ही बढ़िया खाना है ये।
पूरे थाली में हेल्थ का काफ़ी ध्यान रखा गया है। सब्जी में भी आपको मसाला तेल मसाला ज़्यादा नहीं मिलेगा। बहुत बढ़िया मज़ा आ गया बिल्कुल ये खाना खा के। और ये जो मज़ा है मैं हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए द फूड डिस्कवरर। तो फ्रेंड्स देखा आपने हम लोगों ने अपना लंच किया यहाँ पे शुद्ध शाकाहारी भोजन मारवाड़ी भोजनालय में जो हरिद्वार मेन रोड पे ही है, गंगा नदी के किनारे से बस आधे किलोमीटर पहले है मेन रोड पे ही। तो आप जब भी यहाँ आए तो आप यहाँ भोजन कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा खाना मिलता है यहाँ पे। मारवाड़ी भोज नाम है इस होटल का और 60 रुपये से थाली स्टार्टिंग है। आप 100 रुपये वाली स्पेशल थाली खाएंगे तो बहुत ही बेहतरीन है। फ्रेंड्स कोतवाली से हमने ऑटो ली 20-20 रुपये में और हम जा रहे हैं माता चंडी देवी का दर्शन करने। फ्रेंड्स आप पैदल भी जा सकते हैं पहाड़ी पर, लेकिन हम लोग यहाँ रोपवे से जाएंगे क्योंकि हमें कल सुबह मनसा देवी दर्शन करने भी जाना है और फिर ऋषिकेश भी निकलना है, तो टाइम भी कम है हमारे पास। तो अब हम जा रहे हैं रोपवे के थ्रू जहाँ लगभग 200 रुपये 190 के आसपास एक बंदे का चार्ज लगते हैं रोपवे के, जो मैंने आपको टिकट दिखा दी वहाँ की, और बहुत ही हाइट पर है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही मज़ा आता है। फ्रेंड्स एक काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस और एक्साइटमेंट भरा एक्सपीरियंस रहा हम सब के लिए। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं बिल्कुल पहाड़ी पर ऊपर जहाँ माता का मंदिर है और आप देख सकते हैं कितना ही सुंदर नज़ारा है यहाँ से, बिल्कुल ही मन को मोह लेने वाला और बहुत ही सुंदर दृश्य है। आप देख सकते हैं चारों तरफ कितनी हरियाली है, पहाड़ है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम चलते हैं हनुमान जी का दर्शन करने और बजरंग बली का दर्शन करेंगे हम ऊपर जाके, और चढ़ाई है यहाँ पर आप देख सकते हैं और ऊपर जाना है हमें, और बिल्कुल ऊँचाई पर जाके हाइट पर मंदिर है बजरंग बली का, हनुमान जी का। आप देखिए आप सब भी आशीर्वाद लें, जय बजरंग बली। और यहाँ दर्शन करके अब हम यहाँ से वापस निकलेंगे माता चंडी देवी के दर्शन के लिए। जय माता दी, जय माता दी का नारा लगाते चलिए और आगे बढ़ते चलिए। तो फ्रेंड्स हम मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं माता चंडी देवी के दरबार में और जय माता दी का नारा लगाते चलिए आगे बढ़ते चलिए। आप देख सकते हैं दोस्तों ये कुछ यादगार लम्हे जिन्हें अपने कैमरे में कैच किया है, बहुत ही बेहतरीन, इसलिए मैं आपको भी बोलता हूँ कि फ़ोटो ज़रूर ले जब भी आप कहीं टूर पर जाएँ। तो फ्रेंड्स देखा आपने हम लोगों ने दर्शन किया माता चंडी देवी का और यहाँ पे ये राकेश जी हैं जो यहाँ प्रसाद देते हैं। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कितना बढ़िया प्रसाद इनके पास। तो आप बिल्कुल गेट के पास जब आएंगे तो गेट के पास बिल्कुल ये यहाँ पे प्रसाद देते हैं। तो आप जब भी यहाँ आए चंडी देवी के पास तो इन्हीं के पास से प्रसाद लें और माता चंडी देवी का की पूजा करें। वीडियो आपको कैसे लगे कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिए मेरे वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। देखते रहिए द फूड डिस्कवरर। दोस्तों अब हम यहां से वापस जा रहे हैं गंगा किनारे क्योंकि शाम की आरती होती है वहां पे जो कि बहुत ही मनोरम बहुत ही अलौकिक दृश्य होता है वहां का। तो आपको मैं दिखाता हूं शाम की आरती कैसी होती है, तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए द फूड डिस्कवरर। और फ्रेंड्स यहां नीचे आने के बाद हम लोगों ने इन्जॉय किया यहाँ की शिकंजी जो कि बहुत ही स्वादिष्ट थी, तो आप भी ले सकते हैं जब भी आप यहाँ आए, इससे एनर्जी मिलती है आपको। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स गंगा आरती शुरू हो चुकी है यहाँ पे शाम की और हम थोड़ा सा लेट हो गए वहाँ से आते आते, तो हमें बिल्कुल सामने जगह नहीं मिल पाई, हम थोड़ा दूर हैं जहाँ पे मेन आरती होती है वहाँ पे। तो मैं सुबह आपको कल सुबह की आरती ज़रूर दिखाऊंगा बिल्कुल पास से गंगा आरती। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए द फूड डिस्कवरर और इन्जॉय कीजिए गंगा आरती शाम की हरिद्वार की। जय गंगा मैया की। और फ्रेंड्स सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को क्योंकि कल के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ मनसा देवी माता का दर्शन और सुबह की आरती गंगा मैया की। जय माता दी।